छूट है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते ठीक है, तो रफली बता देते हो क्या रहा है इसमें। इसमें तो बंदा था ठीक है, तो वो क्या किया था ना, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक तो आईडी बनाया था ठीक है, तो वो आईडी बनाया, आईडी एक लड़की से मिला ठीक है, तो बहुत दिन बात किया बात किया बात किया, एक दिन जब मिलने गया तो पता चला ये लड़की ने, ये लड़का है। तो वो अपने से तो सोच लिया कि जब भी अब कभी भी किसी से फ्रेंड करेंगे तो वो सोचा है कि यहाँ देखो ये जो आईडी रहेगा, आईडी है तो बड़ा कर, ये जो आईडी है इसमें, आईडी में देखो इतना सारा जो कैरेक्टर्स है ठीक है, कैरेक्टर्स जितना है, तो बोलता है कि अगर अगर यूजर का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मतलब अगर मान लो कोई कैरेक्टर इसमें अगर डबल है ना तो भी इसको एक ही मानेगा ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हो ना WJMZBMR, ये एक्चुअली वो एक आईडी ले रहा है ठीक है, अच्छा, ये आईडी का नाम है। ये आईडी का नाम है बस ठीक है। वो सोच लिया है कि जो जो आईडी का अगर ऑड है ठीक है, यूजर आईडी का काउंट अगर ऑड है तो वो लड़का है, अगर इवन है तो वो लड़की है ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे यहाँ पे है तेरा WJM और जी, Z B हमारे और R ठीक है, ये देखो इवन है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बोला है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर डबल नहीं होना चाहिए ठीक है, यहाँ देखो M डबल है ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये इवन हो रहा है, इसीलिए बोलता है उसका आउटपुट होगा चैट विथ हर ठीक है, और अगर अगर ऑड हुआ तो बोलेगा इग्नोर, इग्नोर हिम। यहाँ जैसे यहाँ पे इस तरह देखो एक्स, यहाँ पे तेरा X I A O और D, इसमें है तेरा टोटल 5 कैरेक्टर्स हो रहा है, इसीलिए इसका आउटपुट देना है इग्नोर हिम करना है ठीक है, कंसेप्ट सिंपल है। तो हम लोग को इतना करना है कि एक तो स्ट्रिंग लेंगे जो तेरा आईडी होगा ठीक है, तो एक स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग को क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग जो भी स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स है सबका एक यूनिक वाला निकाल के एक अलग कंटेनर में रखना होगा ठीक है। तो इसका एक तरीका है कि एक कंटेनर है ठीक है, एक हेडर फाइल आता है तेरा अनऑर्डर्ड हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट, सुना है, ये एक हेडर फाइल है ठीक है, इसमें तेरा एक ये क्या करता है ना, एक कंटेनर को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। अगर हम लिखेंगे कि अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सेट ठीक है, और टाइप रखेंगे कि कैरेक्टर, कि हमको सारा कैरेक्टर टाइप ही रखना है ठीक है, तो इस अनऑर्डर्ड सोचो हम लोग जैसे लिखते हैं ना इंट, यहाँ जैसे हम लोग इंट एन लिखते हैं, तो सोचो ये जो टोटल जो ये जो पहला वाला इंटीजर टाइप होता है ना, सिमिलरली ये है तेरा, सोचो ये कंटेनर टाइप है थोड़ा, और यहाँ पे तो वेरिएबल का नाम दे देंगे, सोचो यहाँ पे यू जैसे को नाम देते हैं, तो बस ऐसे ही करना है ठीक है, कि स्ट्रिंग में से जितना भी हम लोग कैरेक्टर रहेगा ना, इसमें जितना भी हम लोग मतलब स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग का जो यूनिक कैरेक्टर्स होगा ना, उसको सारा को हम लोग इस अनऑर्डर्ड सेट्स, इस
इस वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है? ठीक है। स्ट्रिंग ले लिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से चेंज करते हैं, हेडर फाइल भी देना है, एश इंक्लूड अन सेट, अन ऑर्डर्ड सेट ना, ये कंटेनर्स दैट स्टोर यूनिक एलिमेंट्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर रेंडमली रखता है, विच अलाउ फॉर फास्ट रिट्रीवल ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। बस रखने का काम कर। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हम लोग लेंगे अनऑर्डर्ड सेट, टाइप रहेगा कैरेक्टर टाइप, ठीक है, और इसमें वेरिएबल का नाम देंगे यू। इसका अनऑर्डर्ड सेट में एक और फंक्शन रहेगा, तो रहता है यहाँ देखो, इटरेटर्स आता है ना लूप करने के लिए, इसमें क्या क्या फंक्शन दिया तुम कर सकते हैं, जैसे बिगेन फंक्शन है, एंड फंक्शन हम लोग का इसका काम है, या जैसे फाइंड भी कर सकता है हम लोग का, एक्चुअली इसका काम है कि ये जो हम लोग स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग स्कैन करेंगे, और जितना भी मतलब यूनिक कैरेक्टर रहेगा ना, यूनिक कैरेक्टर निकाल के उसको यू में स्टोर करके रखेंगे, उसके बाद बस यू को अगर हम लोग, हाँ, और यू को काउंट करके कंपेयर कर लें। हाँ, यू को जैसे हम लोग जैसे ऑड इवन चेक करते हैं, उस हिसाब से ऑड इवन चेक करके अगर निकल गया तो बस, इवन हुआ तो लड़की, ऑड हुआ तो लड़का, बस उतना ही है। तो अनऑर्डर्ड सेट इसको स्कैन करने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, एस स्ट्रिंग का बिगिन से लेके, ये जो बिगिन फंक्शन दिख रहा है ना, यही से यूज कर रहे हैं, ठीक है, इटरेटर से, एस फंक्शन का बिगिन से लेके एंड तक चलेंगे। और ये जितना भी मतलब इसका यूनिक कैरेक्टर्स है, एस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी यूनिक कैरेक्टर्स हुआ वो यू में स्टोर रहेगा, ठीक है। अब बस यू को चेक करने से हो गया, इफ यू डॉट इसका साइज, साइज फंक्शन यहाँ देखना, साइज फंक्शन है, ये देखो कैपेसिटी साइज यूज कर सकते हैं, साइज फंक्शन इवेंट के लिए हम लोग परसेंट यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हुआ माने रिमाइंडर अगर जीरो निकला, डिवाइड बाई टू अगर रिमाइंडर जीरो निकला तो इवन होगा। सी आउट चैट विद और एल्स इग्नोर, क्लोज नहीं किया था।
चैट इथर इसको नहीं। ठीक है ठीक है, इसको चेक करके रखते हैं। ये लाइन तो एक बार फिर से समझा दिए हो ना इसको, और मॉड्यूल सेट वाला कहाँ ये वाला ये हाँ इतना समझो, ये एक वेरिएबल है ठीक है, हाँ u एक वेरिएबल है, और इसका जो वेरिएबल जो टाइप हुआ ये एक कंटेनर है ठीक है। हम लोग जैसे कोई भी वेरिएबल लेते हैं उसका वेरिएबल का एक टाइप होता है, ये इंटीजर टाइप है, कैर एस या स्ट्रिंग एस, ये जो वेरिएबल है इसका टाइप ये हुआ ठीक है। तो यू जो वेरिएबल है इसका टाइप ये कंटेनर है ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट कैरेक्टर टाइप। अब ये जो कर रहा है ये वाला फंक्शन, ये वाला तुम बोल रहा क्या, ये कर क्या रहा है कि यूनिक कैसे निकाल रहा है, यूनिक जो भी ये निकाला ना यूनिक कैरेक्टर, वो कहाँ निकाल रहा है इसी, ये तो देखिए ये अनऑर्डर्ड सेट जो है कैरेक्टर टाइप ये कंटेनर हुआ, और यू जो है उसका इसी का ही है ये कंटेनर का फंक्शनैलिटी ही वही है। अच्छा ये यूनिक निकाल देता है, हाँ ये कंटेनर का ही यहाँ यहाँ दिया हुआ है। Unordered sets are containers that store unique elements. बोला ना अनऑर्डर्ड सेट्स आर कंटेनर्स, एक तरह का कंटेनर है जो स्टोर करता है यूनिक एलिमेंट्स, ये फंक्शनैलिटी ही है इसका। तो अब इसको तो कैरेक्टर्स स्टोर करके रखना है, तो अब इसको चाहिए कि कहाँ से उसको वो स्टोर करेगा, तो इसको लोकेशन दे दिए कि स्ट्रिंग एस का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जितना भी है उसका जितना भी यूनिक कैरेक्टर जितना आ रहा है उसको यू में स्टोर करके रख, ये उसका बोल रहा है। ये यूनिक कैरेक्टर अनऑर्डर्ड सेट का एक्चुअली ये फंक्शनलिटी है ठीक है, और जितना भी हो रहा है यू में स्टोर करके रख दे रहा है। और अब मान लो कि तुम अगर देखना चाहता है कि कैसे वो स्टोर कर रहा है या फिर क्या क्या स्टोर कर रहा है तो वो भी तो देखना चाहेगा ना। तो इसको अगर कुछ इस तरह करते हैं कि थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, ये होना चाहिए इसमें। जैसे यहाँ देखो यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड सेट लिया है, ये स्ट्रिंग टाइप लिया है, देखो लिया है ना, और ये उसका वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग सेट। सिमिलरली अनऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पे इसी को उठा लेते हैं, इसी में काम हो जाएगा। यहाँ देखो हम लोग एक तो स्ट्रिंग लिए ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट एक तो स्ट्रिंग लिए हैं इसमें, और इसका नाम रखा है इटरेटर ITER ठीक है। तो इसका देखो ये लूप चलाया, फॉर लूप क्या किया ना, फॉर लूप का नियम है कि उसको सबसे पहला चीज़ चाहिए कि इनिशियलाइजेशन उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, दूसरा चीज़ होता है उसको कंडीशन चाहिए होता है, कंडीशन चाहिए होता है, और क्या करेगा, क्या वो इंक्रीमेंट करेगा ना डिक्रीमेंट करेगा, फॉर लूप को इतना ही चाहिए रहता है। स्टार्टिंग में इसका देखो फॉर लूप में ये क्या किया, ये जो ITER का वेरिएबल हुआ इसका स्टार्टिंग ये क्या किया, जो स्ट्रिंग सेट लिखा हुआ है ना बिगनिंग से लिया, अच्छा यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, ये स्ट्रिंग सेट नहीं, हम लोग मेरा वेरिएबल का नाम तो यू है तो यू का हमको बिगनिंग से चाहिए,
यू का बिगनिंग से चाहिए, यू का एंड तक चाहिए, ठीक है। और ये प्लस प्लस मतलब उसका बीच में इटरेट करते रहेगा, बीच में सारा निकालेगा, ठीक है। और सी आउट करके पॉइंटर उसका जो जो वैल्यू है वो सब निकाल देगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, वो वाला ऊपर वाला शायद हटाना पड़ेगा, यू नहीं एस है, एस का बिगिनिंग, एस का बिगिनिंग से नहीं चाहिए, रुक जा रुक जा। इसको अगर हम स्ट्रिंग टाइप नहीं कैरेक्टर टाइप पे रखते हैं, और अब ठीक है चेक करते हैं। अब तो क्या था क्वेश्चन, जैसे इसको उठा लेते हैं, पेस्ट किए, देखो सबसे पहले ए बी रखा, रैंडमली रख दिया, पहले बी रखा, फिर जेड रखा, फिर एम रखा, फिर जे रखा, फिर एम डब्लू रखा, ठीक है। और पहले आर भी रखा था, आर है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो यही है कि इसका कैरेक्टर यहाँ से तुमको दिख जा रहा है कि क्या क्या वो स्टोर कर रहा है, ये चीज़ तो समझ में है क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ भैया सुन रहे, समझा ना, बताए फिर से। नहीं नहीं समझ गया, उसका जैसे जैसे स्टोर कर रहा उसी को शो कर रहा हूँ। हाँ बस वही है, यहाँ देखो U का जो, यहाँ जो U जो एक तरह का कंटेनर बना रहा ना, ये कंटेनर है। हाँ। ये जो वेरिएबल का तो भले ही नाम बोल सकता है, लेकिन ये कंटेनर टाइप हुआ, ठीक है। तो ये कंटेनर टाइप का तुम, ये जो कंटेनर टाइप हुआ, कंटेनर टाइप का जो जो एलिमेंट सारा ये U है, सोचो भले ही तुम S से निकाला, S से निकाल के तुम उसको U में रखा। अब हम यहाँ S से थोड़ी ना, हम तो U से रखेंगे, क्योंकि देखना है कि यूनिक कैरेक्टर्स मेरा U में कौन कौन सा आया है। हाँ। बस वही है, स्टार्टिंग किया U से, एंड किया U डॉट एंड से, और लास्ट तक कंटिन्यू किया, बस वही है। और लास्ट में उसको सी आउट करके पॉइंटर से निकाल दिए, इतना ही है। हाँ। इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन का नाम है बॉय और गर्ल डॉट सीपीपी, सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट वन, देख सकते हैं, रुको यहाँ पे दिख जाएगा क्या गलत है। ये इनपुट दिया, आउटपुट ये आना चाहिए, अच्छा 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 हैश, लेकिन आंसर आया, चेक तो हैश का इधर उधर हुआ, बस हैश बोल रहा है। अरे एक्सक्लेमेशन, यहाँ एक तो एक्सक्लेमेशन दिया हुआ था, अच्छा वो हर के जगह एक्सक्लेमेशन। हाँ यहाँ पे बॉय और गर्ल सब यहाँ दिखाता है, मतलब हो गया एक्सेप्टेड वो। बहुत टेस्ट केसेस से लोग पास करते हैं, अगर देखना चाहिए तो अंदर, यहाँ अंदर देखने से पता चल जाता है। जैसे पहला टेस्ट केस चेक किया, ये पहला वाला चेक किया, दूसरा वाला चेक किया, तीसरा चेक किया, कम से कम 85 तक चेक किया है। यहाँ तक जब वर्डिक्ट ओके निकला तब एक्सेप्ट कर लिया उसको।